हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी कैंपस। दिस इज़ पीके सिंह और आज डिस्कस करेंगे हम लोग सीरीज टॉपिक। ओके, तो सीरीज टॉपिक में सबसे पहले क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं, क्वेश्चन किस किस तरीके के आते हैं। तो पहला जो टाइप है वो लेटर सीरीज होगा, मीन्स लेटर रिलेटेड सीरीज होगा। सेकेंड टाइप नंबर सीरीज, मीन्स नंबर रिलेटेड सीरीज। थर्ड टाइप लेटर प्लस नंबर, ये दोनों मिक्सअप हो सकता है सीरीज में। और फोर्थ टाइप रिपीटेड सीरीज। ठीक है, तो ये फोर टाइप्स के क्वेश्चन ना सीरीज में आएंगे और फोर टाइप्स के क्वेश्चन को हम लोग सेपरेट करके देखते हैं अलग अलग। और फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद आप जो टोटल क्वेश्चंस होंगे उसको एक बार सॉल्व कर लीजिए ताकि जितने भी डाउट्स हैं आपको क्लियर हो जाए और फ्रीक्वेंसी आपके क्वेश्चन में अच्छी हो जाए, फ्लुएंसी अच्छी हो जाए। ठीक है, और वीडियो देखने से पहले, मीन्स आगे प्रोसीड करने से पहले, आप सभी लोग पेन और पेपर लेकर के रेडी हो जाइए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसको आप नोट डाउन कर सकें। ठीक है, केवल देखने से आपका कवर नहीं हो सकता पूरा, केवल आप वीडियो देखेंगे तो उस समय तो ध्यान में रहेगा लेकिन उसके बाद आप जस्ट भूलने लगते हैं। तो पेन एंड पेपर से आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मालूम रहे। ठीक है, तो ये फोर टाइप्स के पैटर्न हैं सीरीज़ के। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं लेटर रिलेटेड सीरीज़, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। लेटर रिलेटेड सीरीज, लेटर सीरीज एग्जाम्पल फर्स्ट। DWEVFUGTHSIR नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये बताना है आपको। ऑप्शन JKOP, JPQK, सी ऑप्शन JQKP और डी JPKQ। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आपको अगर सीरीज़ का क्वेश्चन हो तो कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन सीरीज़ का ही है। तो क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा टर्म रहेंगे जनरली और प्रोसीड करते हुए टर्म रहेगा, मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। हो सकता है कि आपको ये भी पता करना हो इधर का दिया हुआ रहे, फर्स्ट पता करना हो इधर का दिया हुआ रहे, या फिर फर्स्ट दिया हुआ इधर से स्टार्टिंग और लास्ट आपको पता करना हो। तो रिलेशन जस्ट इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट से रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, सेकेंड का सेकेंड से, थर्ड का थर्ड से और फोर्थ का फोर्थ से रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। मीन्स देखते हैं कि कैसे जो लेटर्स हैं वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जो लेटर्स हैं वो कैसे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं या फिर डिक्रीज़ करते जा रहे हैं। लेटर रिलेटेड सीरीज़ बहुत ही आसान होता है, बस इसमें केवल आपको ये ध्यान देना है कि ये अल्फ़ाबेट जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है या फिर डिक्रीज़ कर रहा है, बस यही देखना होगा। तो ये डी पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए, D4W23522, ये 6, ये 21720। अब देखिए कैसे हो रहा है, इसको भी रख सकते हैं 89980। ये 4 से 6 हो जा रहा है, मीन्स 2 से इंक्रीज, 6 से फिर 8, मीन्स फर्स्ट लेटर में अगर देखें तो 2 से इंक्रीज है, इधर भी 2 से इंक्रीज हो गया, यहाँ से भी। तो फर्स्ट लेटर DFH, फर्स्ट लेटर में दो दो से इंक्रीज हो रहा है, तो अगला जो होगा एच में प्लस टू करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 मीन्स जे। अब सब जैसे ही ऑप्शन है तो लास्ट वाला आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए क्योंकि लास्ट में सबका अलग अलग वैल्यू। तो वी है यहाँ पे 20, 22, यहाँ पे 20, 18, मीन्स लास्ट वाला जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है 2 से, तो 2 से डिक्रीज़ कर रहा है, तो 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 पे होता है P, तो
तो पी वाला ऑप्शन होगा, हालांकि दो दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। पी से पहले या फिर जे के बाद वाला कोई एक चेक कर लीजिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ये 23, 21, 19, ये अगर सेकंड पोजीशन को देखें, 23 से 21 हो रहा है, 21 से 19 मीन्स दो से डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे दो से फिर डिक्रीज कर दीजिए। 19 में माइनस टू करेंगे कितना होगा, 17, 17 मीन्स क्यू, तो जे क्यू के पी, ये हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन, जे क्यू के पी, इस तरीके से। सेकेंड एग्जाम्पल, ए एम वी एफ क्यू एक्स के यू जेड वॉट, ऑप्शन है पी वाई बी ओ एक्स ए एन वाई बी और एम वाई बी। चलिए चेक करिए इसको क्या होगा, चेक कर सकते हैं इसका आंसर। सबसे पहले आपको फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर में रिलेशन देखना है, ये 1, 6, 11 मीन्स 5 से इंक्रीज हो रहा है, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11। फर्स्ट को अगर देखें फर्स्ट से कंपेयर करके तो 5 से इंक्रीज कर रहा है, तो अगला ये 5 इंक्रीज कर दिया 16, 16 मीन्स पी होगा। अब पी से रिलेटेड एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि स्टार्टिंग पी से। तो ऑप्शन पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए ताकि टाइम सेव कर सकें, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग पे टाइम देंगे तो आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो सकता है, साथ साथ ऑप्शन को भी ध्यान में रख के चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, बी डी एफ एच आई के एम ओ पी आर टी वी वट, ऑप्शन है डब्ल्यू वाई ए सी डब्ल्यू एक्स वाई ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड और डब्ल्यू वाई जेड है। चलिए इसमें देखिए क्या होगा ऑप्शन, तो पोजीशन पहले दीजिए, पोजीशन देने के बाद इसको सॉल्व कर सकते, कभी भी लेटर रिलेटेड सीरीज दिखे तो वहाँ पे पोजीशन दीजिए, पोजीशन देने के बाद आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इजी एकदम हो जाएगा। यहाँ पे बी टू आई नाइन ये पी 16, तो 2 से 9 हो जा रहा है मीन्स कितने से इंक्रीज हो रहा है, 7 से, और 9 में प्लस 7 करेंगे तो 16 मीन्स 7 से इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन 7 कितना हो जाएगा, 23, और 23 पे W आता है, अब सब में तो W ही है, तो हमें बाकी अगला चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन क्या है, ये 4, ये है कितना 11 और ये 18, 4, 11 मीन्स 4 में ऐड करेंगे कितना, 7, 7 ऐड करेंगे 4 में, 7 ऐड करेंगे 11, 11 में 7 ऐड करेंगे 18, तो 18 में 7 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 25, दैट इज इक्वल टू वाई डब्ल्यू वाई, तो डब्ल्यू वाई ए सी हो सकता है या फिर ये देखना पड़ेगा कौन सा है, लास्ट एक लेटर और चेक करना पड़ेगा आपको, ये एम, ये एफ 6 एम 13 टी 20, तो 6 से 13 5 का इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे कितना 7 से इंक्रीज हो रहा है, सॉरी यहाँ पे 6 से 13 7 से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 7 से इंक्रीज कर रहा है, एक्चुअल में सब नंबर 7 से इंक्रीज कर रहे होंगे, तो 7 इंक्रीज कर दीजिए, 27 मीन्स ए
26 जेड होता है 27, फिर साइक्लिक कर देते हैं, ए से स्टार्ट कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वाई ए, ये आंसर नंबर ए होगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एजे के टी यू बी आई एल एस वी सी एच एम आर डब्ल्यू डी जी एन क्यू एक्स। नेक्स्ट वन क्या होगा? ऑप्शन है एफ ई ओ वाई जेड ई एफ ओ पी वाई ई ओ एफ जेड ए और ई एफ ओ पी जेड। चलिए इसको चेक करिए, तो इसमें भी वही रूल यूज़ करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कितना से इंक्रीज कर रहा है या फिर कितना से डिक्रीज कर रहा है। तो ए से बी हो रहा है और बी से फिर सी हो रहा है, सी से डी हो रहा है, डी के बाद क्या होगा? ई होगा। यहाँ पे सब में तो ई ही है, लास्ट चेक कर लीजिए, सब में अलग अलग दिया हुआ है। ये ई ई ई वाला 3 मिला हमें, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, ये यू वी डब्ल्यू एक्स, लास्ट में क्या होगा यहाँ पे? वाई। तो फर्स्ट ई लास्ट वाई, फर्स्ट ई लास्ट वाई, आंसर नंबर सी होगा, आंसर नंबर सी। सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, एच जी एफ के जे आई ऑप्शन एल पी यू पी ओ क्यू ओ क्यू और एम एल। चलिए इसको चेक करिए, एग्जाम्पल नंबर 6, डब्ल्यू एस यू ओ एस के क्यू जी वट पी आर सी बाई ओ आर बाई जे या फिर ओ बाई सी, इसमें से कौन सा होगा ये चेक करना है। चलिए तो फिर से आपको वही लॉजिक यूज़ करना है। एच पोजीशन कितना होगा? एच का पोजीशन कितना? 8, 11, ये 14, तो ये 3 से ऐड हो रहा है। यहाँ से अगर कंपेयर करें फर्स्ट लेटर को, तो फर्स्ट इस लेटर का फर्स्ट से अगर कंपेयर करें तो 3 से इंक्रीज हो रहा है। सेकंड जी 7 होता है और जे 10, 3 से इंक्रीज ये भी है, तो 10 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, 13 मीन्स एम, यहाँ पे एम होगा तो ऑप्शन ये हो जाएगा एम एल। अगला आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू बाई एस यू बाई ओ एस बाई के क्यू बाई जी, इसका ऑप्शन क्या, आंसर दिया हुआ है सब, इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो ये डिवाइड में है तो इसका इससे कंपेयर करेंगे, ऊपर का ऊपर कंपेयर करेंगे, नीचे का नीचे कंपेयर कर देना है। तो ऊपर का अगर कोई भी एक हमें पता चल जाएगा तो आंसर वही होगा, क्योंकि सबका डिफरेंट दिया हुआ है। ये 23, 21, 19 डिक्रीज करते जा रहे हैं, 17,
दो दो से डिक्रीज कर रहा है, तो दो से डिक्रीज कर दीजिए यहाँ पे 15, 15 मीन्स ओ, ओ डिवाइडेड बाई जो होगा वही आंसर होगा, तो ये हो जाएगा ओ बाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एच आई आई जे आई जे जे आई जे जे के एल एल एम एल एम एम एन, वट इज द नेक्स्ट लेटर? एल एन एन ओ एम एन एन पी एन डबल ओ पी एम एन एन ओ। चलिए इसमें से चेक करिए क्या होगा आंसर। चलिए पहले का क्वेश्चन जो है सब में ओ पी पी ओ चेक करते हैं, पहले वाले को 8, 9, 10, 11, 12, नेक्स्ट होगा 13 मींस एम। अब एम से रिलेटेड दो दिया हुआ है, अब इसका लास्ट वन चेक कर लेते हैं क्योंकि लास्ट वन डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, तो ये जे के एल एम एन ओ ओ होगा, मींस आंसर डी ऑप्शन होगा। यहाँ पे चेक किया मैंने जे के एल एम एन, तो लास्ट में इसका होगा क्या ओ एम ओ, फर्स्ट लेटर एम लास्ट लेटर ओ ऐसा होगा। अब सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सभी लेटर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन पे आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन कौन सा मेरा मैच कर रहा है, जो ऑप्शन मैच करेगा वही आंसर हो जाएगा। ये सी 3, 9, ये 15, ये कितने से इंक्रीज कर रहा है 6 से, तो अगला 6 से इंक्रीज कर दीजिए 21, 21 मीन्स यू। अब यू तो दो जगह पे दिया हुआ है, लास्ट चेक कर लेते हैं एक ही बार, ये 9, 13, 17, तो 4 से इंक्रीज कर रहा है, इसमें 4 प्लस कर दीजिए तो ये भी 21 होगा, मीन्स यू ही होगा यहाँ पे भी, स्टार्टिंग यू लास्ट यू आंसर ए, इसका मतलब बीच में भी यू ही है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें पोजीशन रिलेटेड ही है, पोजीशन मालूम होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं मालूम है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको काउंटिंग करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर के बाद कौन सा लेटर आ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि पोजीशन रिमेंबर कर लीजिए, एक बार रिमेंबर कर लेंगे तो फिर बार बार आपको यूज़ करने में ये रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी बाय सी जेड वाई बाय एक्स डी ई बाय एफ डब्ल्यू वी बाई यू जी एच बाई आई, नेक्स्ट वन क्या होगा?
एस आर वाई क्यू टी एस वाई आर एस टी वाई आर और आर एस वाई क्यू, ये सब दिया हुआ है। तो ये 1, 2, 3 26, 25 ये 24 ये 4, 5, 6 23, 22, 21 ये 7, 8, 9। हालांकि इतना करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप रिलेशन चेक कर लीजिए कैसा है, क्योंकि आप ऊपर जैसे ही देखेंगे एस आर तो आंसर मिल जाएगा ऊपर, या फिर क्यू नहीं ऊपर देखना पड़ेगा आपको क्या आ रहा है। तो ये 1 से 26 डी डब्ल्यू मीन्स ये अपोजिट लेटर बन रहा है ए जेड डी डब्ल्यू, तो जी के साथ क्या बनेगा टी जी टी, पेयर में बन रहा है अपना ए जेड डी डब्ल्यू तो जी टी, और एच के साथ एस टी एस आंसर होगा ये। अब ऐसा नहीं कि एस टी ये भी तो है इसमें, तो इसमें रहने से मतलब नहीं है, पहले होना चाहिए टी और बाद में होना चाहिए एस। नीचे का भी देखेंगे तो रिलेशन मिल जाएगा, लेकिन नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऊपर का दिख रहा है हमें आंसर कि टी एस ही होना चाहिए, तो आंसर बी होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 बी सी ई एच एल वट बी सी ई एच एल बी सी ई एच एल वट एंड वट एक्स वाई एम एन क्यू डब्ल्यू या फिर ओ पी, इनमें से कौन सा आएगा ऑप्शन चेक करिए। तो ये 2, 3, 5, 8, 12। अब यहाँ से देखें तो ये इंक्रीज प्लस वन से ये प्लस टू ये प्लस थ्री ये प्लस फोर, तो ये क्या होगा प्लस फाइव, प्लस फाइव मीन्स 17, 12 प्लस फाइव 17, 17 मीन्स क्यू, और क्यू से एक ही ऑप्शन है क्यू डब्ल्यू, तो आंसर यही हो जाएगा क्यू डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 ए जी एम एस वाई कॉमा सी आई ओ यू ए के डब्ल्यू ई के डब्ल्यू सॉरी ई के क्यू ई के क्यू डब्ल्यू सी वट आई ओ यू ए जी, फिर है एक लेटर के क्यू डब्ल्यू सी आई, ऑप्शंस जी एम एस वाई ई एफ एम एस वाई ई जी एन एस वाई डी एफ एम वाई ई एस। चलिए इसमें देखते हैं, ये हमें पता करना है यहाँ पे लेटर कौन सा होगा। तो ये 1, 3, 5 ये 9 और ये 11 मीन्स दो दो से इंक्रीज कर रहा है, फर्स्ट लेटर इंक्रीजिंग बाय 2, तो 5 के बाद क्या हो जाएगा 7, और 7 मीन्स जी, जी से रिलेटेड दो दो दिख रहा है, तो लास्ट वाला पता कर लेते हैं, लास्ट वाले से डिसाइड हो जाएगा।
या सेकंड वाले से भी डिसाइड हो जाएगा, यहाँ पे एम है यहाँ पे एन है, तो सेकंड वाले को ही चेक करते हैं। 7 9 दो से इंक्रीज कर रहा है, ये 11 7 9 11 11 के बाद दो इंक्रीज करिए 13 13 मीन्स एम, तो जी एम ये आंसर होगा, ए ऑप्शन। एग्जाम्पल नंबर 12, ए आर सी एस ई टी एस ई टी जी, वट एंड वट, डब्ल्यू जेड यू आई डब्ल्यू वाई या फिर वी वी, इनमें से आपको फिलअप करना है क्या होगा। तो ये 1 18 3 19 5 20 और ये 7, ये भी आपको पता नहीं है, दो पता नहीं है। तो देखिए ये जो सीरीज है वो अल्टरनेट सीरीज है, देखने से ही आपको पता दिख रहा होगा कि ये डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो ये 17 से इंक्रीज, फिर कितना से डिक्रीज हो जा रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो ये 17 से इंक्रीज और यहाँ पे 15 से डिक्रीज हो जा रहा है, प्लस यहाँ से फिर आप देखेंगे तो 16 से इंक्रीज और डिक्रीज कितना से 14 से, फिर यहाँ पे अगर देखें तो इंक्रीज जो है 15 से और डिक्रीज 13 से। तो इस पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए कि ये जो दिख रहा है ये अल्टरनेट सीरीज दिख रहा है, ए सी ई जी, ये कितना से आगे फॉरवर्ड कर रहा है, 1 से 3 मीन्स 2 से आगे फॉरवर्ड किया, 3 से 5, 5 से 7, अब 7 से क्या हो जाएगा नेक्स्ट 9 9 मीन्स आई, तो आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं ये होगा यू आई, यहाँ पे होगा यू और यहाँ पे होगा आई, या तो इस पैटर्न से भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन भी दिख रहा है हालांकि, और हालांकि इसको सॉल्व करेंगे अल्टरनेट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। ये ए सी ई जी ऐसा अल्टरनेट में देखेंगे तो रिलेशन दिखेगा, दो दो से इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ से अगर देखेंगे तो ये भी अल्टरनेट चलेगा ऐसा, अल्टरनेट मीन्स एक छोड़ करके 18 19 20 21, 21 मीन्स यू, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13, व्हाट पी एस वी वाई बी ई एच के एन क्यू ई एच के एन क्यू टी डब्ल्यू जेड सी एफ आई एल ओ आर क्यू ओ आर यू, फर्स्ट लेटर जो है पोजीशन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन है बी ई एच के एन ए डी जी जे एम एस बी वाई बी ई जेड सी एफ आई एल। तो सबसे पहले आप इसको क्या करिए, लेटर का पोजीशन लिखिए 16 18 ये 5 8 ये 20 23 ये 9 12। तो अगर उधर से हम इस साइड आते हैं तो 5 से 16 मीन्स 11 से इंक्रीज हो रहा है,
11 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखें? तो हमें क्या करना पड़ रहा है, इधर से 11 ऐड करना पड़ रहा है। ये फर्स्ट लेटर का फर्स्ट से अगर रिलेशन देखें तो यहाँ से 5 से 11 ऐड करेंगे तो 16 होगा, 20 में 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 31। मीन्स आप ऐसे इसको समझिए, 20 में 11 ऐड करना है, मीन्स इसमें 6 प्लस 5 11, ये 26 हो जाएगा। 26 के बाद आएगा नेक्स्ट 5, तो 5 क्या होगा, ई होगा, तो वो ई दिया हुआ है। 9 में 11 ऐड करेंगे तो ये 20 इस तरीके से दिया हुआ है। तो 16 में आपको ऐड करना है 11, तो 16 में 11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 27। 27 का मतलब ए, क्योंकि 26 पे होता है जेड, अब जेड के बाद फिर साइक्लिक कर देंगे, तो 26 के बाद ए से स्टार्टिंग करेंगे। अब ए से एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। तो ऐड करने पे कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ कन्फ्यूजन हो कि 20 से ऐड करेंगे 11 तो 5 कैसे आ गया, तो वो साइक्लिक होता है, 26 के बाद फिर 1 2 3 4 स्टार्ट हो जाएगा ऐसा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14। डी आर ए क्यू जी यू एच टी जे एक्स के डब्ल्यू, और ये ऑप्शन क्या होगा इसका, ई एफ आर एस टी जी एस एफ और जे डब्ल्यू वी आई ए ओ बी एन ए ओ बी एन। चलिए यहाँ पे चेक करिए, ये फर्स्ट लेटर जो दिख रहा है 4 7 10, मीन्स अगर इधर से इधर हम लोग आते हैं तो डिक्रीज करेगा 3 से, डिक्रीज कर रहा है 3 से, तो इसमें भी 3 से डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। 1 मींस ए, फर्स्ट लेटर ए होगा, स्टार्टिंग आंसर नंबर डी। एग्जांपल नंबर 15। जे एल जे जी आई जी एन पी आर टी, क्या होगा आंसर इसका, सी ई ई सी आर डी एफ डी। तो ये 10 9, ये कितना हो जा रहा है, 14, और ये 18, वो ये 12, ये 7, ये 16, 20। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो 10 से 9 ये रिलेशन कैसा दिख रहा है, 10 12 9 7 14 16। अब अगर हम लोग डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो 10 से 9 1 से इंक्रीज, ये डिक्रीज कर रहा है, 9 से ये 14 हो जा रहा है, मींस इंक्रीज कर रहा है 5 से। यहाँ पे कितना से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, अगर हम लोग सोचें कि -1 से ही डिक्रीज करेगा तो फिर 13 होना चाहिए, जो कि 13 किसी पे है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन को भी ध्यान में रख के चलना है। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको लॉजिक पता नहीं चल रहा है तो बेस्ट वे क्या है, जस्ट इंडिविजुअल चेक कर लीजिए कि ये कैसा सीरीज चल रहा है। तो ये हम देखेंगे तो 2 से इंक्रीज कर रहा है, 2 से डिक्रीज कर रहा है, 2 से इंक्रीज, 2 से डिक्रीज, 2 से इंक्रीज करेगा, ये कर रहा है, तो ये डिक्रीज वाला रहेगा। अब डिक्रीज वाला ऑप्शन कौन कौन सा है,
तो ये तो इंक्रीज वाला है, 3 5, ये तो होगा नहीं, ये 5 3 ये हो सकता है, ये 18 4 ये तो होगा नहीं, डिफरेंस 2 का होना चाहिए, ये भी हो सकता है। अब हमें दो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये ऑप्शन होगा या फिर ये होगा। तो एक और मेजरमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो इवन नंबर का है, ये ऑड नंबर का, इवन ऑड इवन मीन्स ये नंबर जो है इवन नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे जो आएगा कौन सा आएगा, इवन के बाद ऑड, ऑड आएगा यहाँ पे, तो ऑड नंबर क्या दिख रहा है, ये 5 3, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये था टाइप वन रिलेटेड क्वेश्चन, मीन्स टाइप वन में आपने देखा क्या, लेटर रिलेटेड सीरीज। टाइप टू नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, टाइप टू जिसमें होगा क्या, नंबर रिलेटेड, नंबर रिलेटेड सीरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अगले वीडियो में उसका देखिए, नंबर रिलेटेड सीरीज़।